ओ माय गॉड, बिग बॉस सीजन 12 के दीपक ठाकुर ये प्रतीक सहजपाल के लिए क्या कह गए। प्रतीक को साफ तौर पे बोल दिया कि तुमने जो ये डसा है ना, जो तुम ये नाग बन के तुमने हमला किया है ना, अब छोड़ोगे नहीं हम लोग। मैं राहुल बोस स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल बोस के नाम से, आप वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। बात करते हैं कि आखिरकार प्रतीक सहजपाल के लिए क्या बातें लिख दी है दोस्तों दीपक ठाकुर ने। दीपक ठाकुर जो कि बिग बॉस सीजन 12 में बतौर कंटेंडर आए थे, जिन्होंने आते ही बोलता इजकूजी है का, क्या बढ़िया डायलॉग था उनका, याद होगा आपको। दीपक ने बहुत अच्छा खेला था, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया था। मेघा धाड़े ने किस तरीके से दीपक के साथ लड़ाई करी थी और दीपक ने किस तरीके से मेघा जी को जवाब दिया था, ये भी बात हम सबको पता है। अब आप लोगों को बता दो दोस्तों, तो दीपक ठाकुर ने जब ये देखा लाइव में कि अक्षरा सिंह को दिया है प्रतीक सहजपाल ने धोखा, दोस्ती यारी के नाम पे डस लिया है, तो फाइनली दोस्तों आपको बता दूं तो वो कुछ इस तरीके से ट्वीट करते हुए लिखते हैं, यार मतलब जो अक्षरा सिंह सुख में दुख में सही में गलत में आंख मूंद के तुम्हारा साथ दी सहजपाल, तुम उसी को डस लिए, गलत किया, खामियाजा भुगतोगे। और फिर उन्होंने बिग बॉस को @ किया है। दीपक ठाकुर ने दोस्तों ये ट्वीट किया है और ये ट्वीट करके उन्होंने इस बात को रखा है और बोल दिया है कि प्रतीक सहजपाल, क्योंकि वैसे अगर बात कहे तो सही बोला है उसने, क्योंकि अक्षरा ने पूरा मतलब सुख दुख में पूरा घर अगेंस्ट हो जाता था, अक्षरा सिंह लड़ी रही कि नहीं ये मेरा पार्टनर, चाहे सही हो गलत हो मेरा पार्टनर है, जो हो जाए राइट। और अभी प्रतीक सहजपाल ने उसका साथ छोड़ दिया और फिर उसके बाद अभी वो उसने बोल दिया कि तुमने जो डसा है ना उसको, जिसने तुम्हारे साथ दिया उसी का एक खामियाजा तुम भुगतोगे। अब देखते हैं कि प्रतीक सहजपाल क्या खामियाजा भुगतता है, क्या जनता माफ करेगी या नहीं करेगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। सो दर्शकों आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ।